गंदा गंदा, और शाम को धमकी दिए थे हमको कि हो कि पैसा पर फूक देंगे या तुमको उठवा लेंगे। उसके बाद आके हम सब पे मारने लगल, मेरे अब्बू का रूह भी निकल गया था तो भी बहुत मार रहा था लो, बहुत मार। हाँ पूरा मेरी छोटी बहन को ही देखिए, इसका देखिए पूरा, ये देखिए माँ को पूरा पीठ में सब में। मेरी अम्मी को की चुरा ले बड़ू चोटिन चोटिन, और मतलब कहने लगे और उस बगीचा में मेरी अम्मी को मारने लगे तो वो सरसों लेंगे तो हम लोग को पैसा दे देंगे, और मतलब पैसा देंगे तो हम लोग सरसों लेंगे, मेहनत तो किए हैं लो अम्मी लोग जो है लो, वोट मांगने आ जाते हैं लो, और गरीब के घर सब कांड हो जाता है तो कोई भी पूछने नहीं आता है, कोई मदद करने नहीं आता है। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से, सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। सिवान से एक ऐसी घटना हुआ कि इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना है। देखिए ये घर है, ठीक है ना, यहाँ पे ठीक से ये बांस भी नहीं है कि यहाँ पे इस करकट को अल्बेस्टर को ठीक से लगाया जाए। दो लड़कियाँ हैं और एक पत्नी है और बुजुर्ग थे, इनको पंचायती के दौरान मारकर उनको हत्या कर दी गई थी, महज कुछ किलो सरसों का दाम था। कुछ किलो सरसों के लिए किसी के जान ले लेना कहाँ तक ये जायज़ है? अभी तक जो सिवान एक तथाकथित जो वरिष्ठ लोग नेता हैं वो लोग भी अभी नहीं पहुँचे हैं सुध लेने के लिए। हालांकि ये लोग रो रो कर इन लोगों का बुरा हाल है। देखिए जो लड़कियाँ हैं, ये तमाम लड़की, हम जानेंगे आखिर क्या उस वक्त हुआ था और क्यों। कितने दिन से खेत आप लोग ये कर रहे थे? चार साल से बुआ रहा था। चार साल से बुआ रहा था। अच्छा, इसके पहले कभी हुआ था इस तरह के? नहीं, कभी भी नहीं होता। और भी बगल के लोगों को हम लोग खेत बटैया बोए हैं लो, सिर्फ उनका ही मतलब इस बार बोए थे लो, तो शाम को मतलब पूरा दिन खेत में होते हैं, और फिर मतलब रंगनाथ चौधरी जिनका खेत है वो, और उसके बाद से मतलब ना वो आ गए, हम लोग भी आ गए। धूप था तो शाम को थोड़ा सा तो काट के, और पापा गतान बनाए थे बोझा बांधने के लिए, और उसके बाद से मतलब मम्मी मतलब शाम को घास लाने जा रही थी, हम आ गए थे घर खाना बनाने, तो बोल रहे हैं मेरी अम्मी को कि चुरा ले बड़ू चोटिन चोटिन, और मतलब कहने लगे और उस बगीचा में मेरी अम्मी को मारने लगे, तो मेरी छोटी बहन थी तो मतलब उनको धक्के दे दी, मम्मी भी दे दी, मारेंगे कोई मारेगा तो देगा ही कोई धक्का, जेंट्स हो के औरत को मार रहे हैं, उनके हाथ पकड़ लिए। उसके बाद से आए तो फिर मोड़ पे भी मारने लगी, वो बड़े अब्बू हैं वो देखे हुए हैं, खुद मारने लगे तो सब लोग छुड़ा दिए, तो हम लोग बोले ना कि मतलब कि केस करेंगे लो, तो बोले लो ना कि पांच के कुछ लोग कि मतलब गांव में कि हम लोग आप लोग भी अपने आदमी हैं, ये भी अपने आदमी हैं, हम नो अपन से मतलब ये कर देंगे, पंचायत होके मतलब सल्टा दिया जाएगा। तो हम लोग बोले कि अगर वो सरसों लेंगे तो हम लोग को पैसा दे देंगे, और मतलब पैसा देंगे तो हम लोग सरसों लेंगे, मेहनत तो किए हैं लो अम्मी लोग जो हैं लो, किए हैं लो। तब मतलब वो बहुत उनके बेटे हैं जो बहुत गाली दे रहे थे, बहुत ज़्यादा गाली दे रहे थे, बहुत गंदा गंदा, और शाम को धमकी दिए थे हमको कि हो कि पैसा पर फूक देंगे या तुमको उठवा लेंगे। उसके बाद से सुबह मतलब कुछ लोग आए थे पंचायत में और कुछ लोग नहीं आए थे, तब तक मेरे पापा यहाँ लेडी काट रहे थे, मम्मी मतलब वो जो लोग आए थे उनसे बातें कर रही थी, तो मतलब पूरा उनके फैमिली आके हम सब पे मारने लगा, मेरे अब्बू का रूह भी निकल गया था तो भी बहुत मार रहा था लो, बहुत मार। हाँ पूरा मेरी छोटी बहन को ही देखिए, इसका देखिए पूरा, ये देखिए माँ को पूरा पीठ में सब में। हाँ इसका भी गलत दाब दिया था लो, तो मतलब हम छोड़ाए और खींचे, मेरा भी डर में चोट लगा, सब लगा हुआ है, मम्मी का भी, बहुए और उनकी मतलब जो नतनी है वो, और उनका नाती सब था लो, पूरे फैमिली मिल के मारा है लो। हाँ घर में घुस के मारा है लो। पांच लोग वहाँ पे नहीं थे? थे लो, तो मतलब वो लोग कुछ नहीं बोले, मतलब उनका नाम है मुन्ना सिंह और बवन सिंह जो पंच में आए थे लो, वो लोग कुछ नहीं बोले लो। अच्छा सिवान के लोग आ रहे हैं तो क्या कुछ कर रहे हैं? बहुत लोग देखे हमारे यहाँ पे मिलने के लिए आप लोगों से, क्या कहेंगे लो कोई, मतलब आप ही बताइए। मेरे अब्बू थे वही मतलब काम करते थे, वही मतलब ही करते, तो हम लोग को खर्चा चलता है, मेरी बहन पढ़ती है, हम पढ़ते हैं, अब तो सब खत्म हो गया, हम लोग को कौन है जो देखेगा ही करेगा। हम लोग कहते हैं इसी 23 मार्च से मेरा पार्ट 2 का एग्जाम है।
अच्छा, कमाने वाला घर पे कोई नहीं है? कोई भी नहीं है, अब्बू ही मेरा मतलब कमाते थे लेबर में, तो हम लोग का रोजी रोटी चलता था। और मतलब जो हम लोग बटैया खेत बोते हैं, सिर्फ उनका ही नहीं बोते, और भी लोग को हम लोग बोते हैं। अगर हम लोग सरसों लाएंगे तो मेरा घर यही है ना द्वार पे, आप अंदर भी जाके देखिए, ये भी देखिए, हम लोग कहीं भी एक सरसों नहीं लाए हैं। और मेरे पापा को मार के वो लोग मुँह दिए लोग, सिर्फ सरसों के लिए। हाँ, बस सिर्फ सरसों के लिए। मांगे क्या रहेंगे उन लोगों से? हम चाहेंगे कि उन लोग का सजा हो फांसी के, हम यही चाहेंगे जैसे हमारे अब्बू का मतलब हुआ है। हम लोग का इंसाफ चाहिए और हमको कोई नौकरी चाहिए जो हम अपने परिवार को चला सके। हाँ, गवर्नमेंट अगर कुछ देता है तो परिवार को आप चला सके? हाँ। अच्छा, उम्मीद है सरकार से कैसे कर सकती है? हमको नहीं पता है कि उम्मीद है कि नहीं। अगर उन तेजस्वी यादव और मोदी जी के पास मेरा अगर बयान जा रहा होगा, आवाज जा रहा होगा, तो अगर वो जात का भेदभाव ना करते हुए हमारे परिवार का वो मदद करेंगे तो ठीक है, नहीं हम लोग अब कोई भी हम लोग नेता होता किसी अगर कोई मदद नहीं करेगा तो हम लोग किसी को वोट नहीं दें। वोट मांगने आ जाते हैं लोग और गरीब के घर सब कांड हो जाता है तो कोई भी पूछने नहीं आता है, कोई मदद करने नहीं आता है। नहीं, 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 नहीं अभी कोई नहीं आया है, अभी कोई नहीं आया है। नहीं से गरीब लोग का ऐसा हत्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा सरसों का कहाँ तक जाइज बाटे? नाजाइज बा, जौन भी नाजाइज बा, हम ना रहो, हम कहल सरसों उखा रहे तो लड़का जाके कहू है कि हमें हमारे एगो सार के लड़का बा, जाके कहू है कि मोर से चली जल्दी आ लाऊ जाके मार के मुँह दी हल लोग, तब हम भागत भागत उन्हें से हम खेत में से तो देखो तन बेचारू है जो पटाइल बा रहे खटिया पर बिछावल बा, ये बात बा। अच्छा, पहले के उठी के लाने झगड़े लुआज मेर लाने तो उनको ना केहू से झगड़ो हो केहू से, तो अपना बेटी सन के कहना जासन घर में, जासन घर में। हाँ, केहू से झगड़ा उनका से नहीं के भाई, सीधा साधा आदमी रहला। हाँ, एकदम सीधा साधा, अपन खेती बाड़ी करी हन, गाय बिया दूगो उखी हन पिया हन, बस यही में लागल, यही में लागल हन दिन भर घास कटी हन। तो चलिए, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरा स्क्रीन पे नंबर होगा, ये घर की सिचुएशन देख सकते हैं। अगर रियल में अगर आपको मदद करना है, हेल्प करना है, तो अकाउंट नंबर होगा, इन लोगों का घर का नंबर है। बहुत लोग मदद कर रहे हैं, उन लोगों को शुक्रिया, चूँकि बहुत से चैनलों पर उस नंबर को डाला गया है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल मदद रियल में अगर करना चाहते हैं, तो वाकई में हमने जब धरातल पर आया तो इस यहाँ की स्थिति देखें, यहाँ पर रियल में एकदम नाजुक स्थिति है। तमाम लोग मतलब खाने पिए लोग दुल्हन है, एक रोटी तक कोई कमाने वाला नहीं है। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मदद कीजिए, अकाउंट नंबर स्क्रीन पर है, आप लोग मदद कर सकते हैं। लेकिन जब हम इन लोगों से मिला तो पता चला कि ये लोग मतलब कुछ मदद के तौर पर बातचीत कर रहे थे उन लोगों से। हमने पूछा तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, वीडियोस में शो करना है क्या कुछ हम लोगों को मदद किया है? नहीं, हम बस उन लोगों से परिवार से मिलने आए हैं, मदद तो दूर की बात है, ये लोग शो नहीं करना चाहते हैं। जो इस तरह से घटना हुआ है, रिजवान जी आप भी बहुत आहत दिखाई दे रहे थे, भावुक हो गए थे, इधर भी छोटे भाई भावुक हो गए थे, कहाँ तक इस परिवार के लिए सब जायज है समाज में? देखिए, इस परिवार के साथ हम सभी लोग ढांढस बनाने आए हैं कि आपके साथ जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, इतना घिनौना काम हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक मजदूरा को मजदूरा के घर में घुस के मार देना, हत्या कर देना, ये महापाप है। इस पाप के लिए ईश्वर भी माफ़ नहीं करेंगे। दुनिया में इंसान तो अलग है, निरीह जीव है, महिला है, बूढ़ा आदमी है, जो आपको जवाब नहीं दे सकता है, उसके साथ इस तरह बर्बरता के साथ उसके घर में घुस के मार देना, यह साबित करता है कि आपके अंदर कानून का डर नहीं है, इंसानियत नहीं है, आप जल्लाद हैं। इस तरह काम करना चाहिए? इस परिवार के साथ जाके आप लोग भी देखे होंगे, बूढ़ी औरत है, बच्चियां हैं सब, बच्चियां गला में जैसे, अब वो भी हमको लग रहा है कि वो भी मर गई होती, थोड़ा देर लोग मदद नहीं किए होते, गला में जो निशान है रस्सी से बांध के जो मारने का, उसको भी प्रयास किया गया, यह तो जल्लाद वाला काम किया गया। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए, ये इंसान का काम नहीं है, ये जानवर का काम है। अब रिजवान जी, घटना तो हो गया है, आप लोग समाज के उस स्तंभ में रहते हैं, वहाँ उस समाज में बैठते हैं, तो मदद की आवश्यकता है, तो क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखिए, उस परिवार के साथ पूरा समाज खड़ा है, उसी उन्हीं उसी परिवार के मदद के लिए हम सब लोग आए हैं,
उस परिवार के साथ हम लोगों का सहानुभूति है, दिल है, और हमेशा उस परिवार का हम लोग मदद करने का प्रयास करेंगे। यही ढांढस बनाने उस परिवार के साथ, उस परिवार के गम को बांटने आए हैं।